हेलो दोस्तों, बात करते हैं उत्तराखंड की शिक्षा की आज की न्यू अपडेट के बारे में। साथ ही जॉब के और अपडेट इनको मिल जाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन निदेशक और शिक्षकों पर टिप्पणी से शुरू हुआ बवाल। तो सरकारी स्कूल में आहरण वितरण के अधिकार के सवाल पर शिक्षकों और मिनिस्टर कर्मचारियों के बीच उपजा विवाद अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि एक बार फिर से तलवारें खिंच गई हैं। और वहीं यहाँ पर बुधवार को जो है एजुकेशन मिनिस्ट्रियल ऑफिसर माध्यमिक शिक्षा निदेशक महावीर सिंह बिष्ट को यहाँ पर जो है ज्ञापन की भाषा को अपमान जनक बताते हुए शिक्षकों ने मोर्चा खोल दिया है। और संस्कृत की विशेष उपलब्धियों के लिए यहाँ पर ग्रीस सम्मानित। तो यहाँ पर संस्कृत भारती उत्तरांचल की ओर से संस्कृत विद्या मंदिर जानकी नगर में चल रहे प्रबोधन वर्ग में उत्तराखंड ने विभिन्न संस्थानों से 60 शिक्षकों और प्रतिभागियों के यहाँ पर संभाषण का वातावरण बनकर स्वयं के साथ जो है अमजान मेहमानस को यहाँ पर संस्कृत सीखने का संदेश दिया। उत्तराखंड में शिक्षक मिनिस्टर कर्मचारी फिर आमने सामने हो चुके हैं और साथ ही यहाँ पर कर्मचारी पुरानी पेंशन की लड़ाई लेंगे। तो अब भारतीय जो यहाँ पर प्रतिरक्षा मजदूर संघ है उनके द्वारा कहा गया कि कर्मचारी जो है पुरानी पेंशन की मांग करेंगे। ज्ञापन में कुछ अनुचित नहीं घुसाई। तो यहाँ पर एजुकेशन जो मिनिस्टर कर्मचारी है उनका कहना है कि ज्ञापन में जो है कुछ भी गलत नहीं लिखा गया है क्योंकि अभद्र भाषा का प्रयोग बताया गया था उसमें। और कर्मचारियों का आरोप है कि अफसर कर रहे हैं ट्रेजरी सिस्टम का विरोध, ऐसा भी कहा गया है। नीट यूजी में 1563 अभ्यर्थियों के कृपांक निरस्त, 23 को फिर परीक्षा का विकल्प। तो केंद्र ने जो है सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी और 30 को आएगा नतीजा। काउंसलिंग 6 जुलाई से, तो 6 जुलाई से काउंसलिंग होगा। और जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA की ओर से नीट परीक्षा जो आपकी 2024 में, और अपनी गलती आखिरकार यहाँ पर मान ली नीट ने। और इसमें 1500 से ज़्यादा जो परीक्षार्थी हैं और ग्रेस मार्क को जो है सही ठहराने वाले जो NTA ने सुप्रीम कोर्ट में कबूला कि यह फैसला जो है निरस्त कर दिया गया है। इसके साथ ही यहाँ पर जो है 1563 परीक्षार्थी कृपांक रद्द कर दिया गया है और उन्हें जो है बिना कृपांक के जो है वास्तविक नंबर दिए जाएंगे, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और जो कोड नहीं पहुँचे उन्हें जो है दोबारा परीक्षा में बैठने का विकल्प नहीं बताया गया। जो कोड नहीं पहुँचे उनको परीक्षा में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। और सात हाई कोर्ट में भी केस दर्ज किया गया था इसको लेकर, नीट को लेकर। पेपर लीक नहीं प्रधान, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट UG जो पेपर है लीक नहीं हो रखा है। आरोपी को जो पुष्टि करने के लिए जो है कोई सबूत नहीं मिला, ऐसा भी कहा गया है। टॉपर्स की संख्या जो है 67 से घटकर जो है 61 रह जाएगी। तो टॉपर्स जो है 6 टॉपर्स की संख्या जो वो घट जाएगी। मानकों को जो है ताक पर रखकर दिया गया लाइसेंस। तो जांच में जो है घोटाले का जो है खुलासा होने पर जो है डॉक्टर बवेजा को जो है निदेशक उद्यान के पद से यहाँ पर जो है किया गया निलंबित। और ग्रेस अंक पाने वालों को जो है दोबारा देनी होगी परीक्षा, तो ग्रेस अंक वालों को फिर से एग्जाम देना होगा। और ये जो है NTA ने अपना फैसला लिया है और पेपर लीक ना होने की पुष्टि की है और परीक्षा खत्म की जाएगी। तो यहाँ पर तमिलनाडु सरकार ने कहा कि यहाँ पर जो है कुछ छात्रों के कृपांक देना शेष अभ्यर्थियों से धोखाधड़ी के समान है। और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सुब्रमण्यम ने कहा कि इस मामले में NTA को दोषी ठहराया जाना चाहिए और परीक्षा जो है समाप्त की जानी चाहिए। भ्रष्ट न तो भ्रष्टाचार ना ही पेपर लीक हुआ प्रधान, ऐसा प्रधान ने जो शिक्षा मंत्री हैं भारत के उनका दावा किया कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुवार को कहा कि NTA में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। उन्हें जो है नीट में जो है पेपर लीक के आरोपों को जो है अभी सिरे से नकार दिया गया है और पेपर भी लीक नहीं हुआ ऐसा कहा गया है। उपचुनाव बद्रीनाथ में जो है भंडारी और मंगलोर से लेनगे भड़ाना और ये उपचुनाव होने वाले उत्तराखंड में। उत्तराखंड में 23-24 जून को दस्तक देगा मानसून। और वहीं यहाँ पर उत्तराखंड में सहकारी सहकारी बैंक भर्ती 21 से, तो कोऑपरेटिव बैंक भर्ती की जो है तारीख का ऐलान हो गया है। रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव आलोक कुमार पांडे ने बताया कि IBPS के माध्यम से भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है। इसमें वर्ग एक में वरिष्ठ शाखा प्रबंधक, वर्ग दो में कनिष्ठ शाखा प्रबंधक, वर्ग थ्री में लिपिक कैशियर के रिक्त पदों पर जो है 22 जून को 3 पाली में परीक्षा होगी। और प्रबंधक जो सहायक प्रबंधक इसके खाली पद पर 23 जून को होगी और प्रबंधक के खाली पद पर 21 जून से परीक्षा होगी। वेबसाइट यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से आप जो है मिनट का डाउनलोड कर सकते हैं। नीट UG का पेपर लीक नहीं हुआ है, धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी पुष्टि दे दी है। कहा कि यहाँ पर जो है
साख का सवाल जो कि नीट पेपर को लेकर अगर लगे आरोपों को देखते हुए परीक्षा कराने वाले संस्थान एनटीए की जो है साख को बचाना है, और वहीं यहाँ पर नीट से जो है अन्य परीक्षार्थी की जो है शुचिता को जो है लेकर उपयोग संदेह को दूर करने से जो है शिक्षा मंत्री ने बड़ी यहाँ पर चुनौती होगी ऐसा भी कहा गया है। बात करते हैं उत्तराखंड में फर्जी शिक्षक को लेकर, तो फर्जी प्रमाण पत्र से नौकरी करने वाले शिक्षक को 5 साल कैद, तो 5 साल कैद हो चुकी है। बीटीसी का जो है फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर राजकीय प्राथमिक स्कूल में जो है शिक्षक बनने वाला बिजनौर निवासी को अदालत ने 5 साल का कठोर कारावास की सजा सुनवाई और आरोपी पर जो है 32,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने के आरोप में 3 महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी ऐसा बताया गया है। और 2000 बताया गया कि 10 दिसंबर 2019 को तत्काल पीओ को जो है स्थानीय में जो है धनसाली में शिक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था और जांच करने के बाद यह दोषी पाया गया और इसमें अब यहाँ पर इनको कर दिया गया। और शिकायती पत्र जो विभाग की ओर से वर्ष 2018 में प्रमाण पत्र की जाँच की गई थी, तो ये मामला हुआ था इसमें फर्जी पाए गए, उनको अब यहाँ पर दोषी करार दिया गया है। सीयूईटी प्रवेश परीक्षाओं में जो है कठिनाई का लेबल होगा कम, जो जेई है नीट है सीयूईटी समेत अन्य राष्ट्रीय दाखिले प्रवेश परीक्षाओं का जो है कठिन लेवल कम करने की तैयारी है। इसमें परीक्षाओं की जो है गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का जो है कोई समझौता नहीं होगा बताया गया है और सरकार की कोशिश परीक्षाओं की जो है तैयारी में कोचिंग संस्थानों पर जो है निर्भरता कम करने की है और साथ ही अब जो है खुद से तैयारी करने और ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी स्कूल के मेधावी छात्रों को भी यह जो बराबर का मौका जो है उपलब्ध कराने हैं ऐसा कहा गया है। नीट यूजी 2024 की परीक्षा इसकी जो है शुरुआत हो गई है। अधिकारियों का मानना है कि कठिनाई लेवल कम करने का जो है नतीजा है कि पहली बार जो है 24 लाख में से 13 लाख से अधिक जो है छात्र सफल रहे हैं। 10 उच्च शिक्षा संस्थानों को मिला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा, तो प्रत्येक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को जो है दिया जाएगा 5-5 लाख की आर्थिक सहायता, जिसमें संस्थान के नाम लिखे गए हैं और इनके सेक्टर कहाँ पर हैं किस कौन सेक्टर में हैं वो भी लिखा गया है जो कि आप लोग देखते हैं। यहाँ पर जो है इनको सहायता दी जाएगी। अपर निदेशक पर जो है कार्रवाई के मामले में सरकार से मांगा जवाब, तो यहाँ पर हाईकोर्ट ने ग्वाल मंडल के तत्काल अपर निदेशक और वर्तमान में निदेशक हावर सिंह बिस्ट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने के मामले में लेकर दायर या जनहित याचिका पर सुनवाई करने के बाद सोमवार तक जो है स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। रोजगार की आड़ में बजट खा गई कंपनियां, तो यहाँ पर कोरोना काल में रोजगार सृजन पर सरकार से मिल रही रियायत का जो है लाभ उठाने के लिए कई कंपनियों ने अपनी यहाँ जो है फर्जी नौकरी दिखा दी और कई पैसा हड़प लिया। और यूटीयू ने जो है 115 पद पर जो है अस्थायी नियुक्तियां निकाली, तो अस्थायी शिक्षक भर्ती निकाली गई है उच्च शिक्षा विभाग में, जिसमें 5 जुलाई तक ऑफलाइन और ऑनलाइन तरीके से आवेदन मांगे गए हैं। 150 सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति होनी है जो कि अस्थायी तौर पर 11 माह के लिए आपको रखा जाएगा। अलग अलग पद है, इनमें आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड में प्राथमिक स्तर भर्ती के बारे में बात करें 2917 पद के लिए, तो 25 जुलाई से यहाँ पर जो है काउंसिलिंग शुरू हो जाएगी और उसके बाद नियुक्ति पत्र भी आपको दिए जाएंगे और उसके बाद से जल्द ही जो है यहाँ पर बताया कि स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पद को देखते हुए जल्द से जल्द जो है भर्ती प्रक्रिया पूरी करनी चाहते हैं, इस वजह से जल्दी हो रही है। और रावत के अनुसार बताया गया कि यहाँ पर जो है कार्यक्रम तय कर दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार बताया गया है कि यहाँ पर समय सीमा के भीतर जो है पूरा किया जाएगा और इसके तहत जो है 15 जुलाई तक सभी आवेदन पत्रों की जो है स्क्रूटनी करनी होगी और इसके बाद काउंसलिंग प्रक्रिया होगी और उसके बाद नियुक्ति जल्दी पूरी हो जाएगी। साथ ही यहाँ पर जो है उसके बाद दूसरे चरण में 451 पदों की जो है नई भर्ती आपको देखने को मिलेगी, तो दूसरे चरण में उसके बाद नई भर्ती देखने को मिल जाएगा आपको। जॉब के अकॉर्डिंग बात करें यहाँ पर एम्स में निकाले गए 220 पद, BCA में निकाले गए, BCAS में निकाले गए 168 पद, एक IGCR में निकाले गए 51 पद, महानिदेशालय जो कि सीमा शिक्षा बल में 162 पद, 1 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। पूर्वी पुलिस अकादमी 27 पद, सैनिक स्कूल में 18 निकाले गए हैं और अन्य पद नीचे देखते हैं, ट्राई कर सकते हैं।